तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पे सुपर स्प्लेंडर का मॉडिफाई का एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि 2-3 वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। उस बाइक को हमने फुल मॉडिफाई किया है, लेकिन डिटेल में थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको दिखा रहे हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पार्ट बाय पार्ट में आ रहा है दोस्तों, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा लेट हो रहा है, चूंकि हम एडिटिंग में थोड़ा सा समय लगा रहे दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको लेट हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले, अगर आपका पार्ट टूटा हुआ रहता है तो उसको आप कैसे जो है न्यू कर सकते हैं, अगर वो पार्ट नहीं मिलता है, और अगर वो पार्ट का दाम थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसको आप न्यू कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है सुपर स्प्लेंडर, और इस बाइक का मॉडिफिकेशन हमने आपको दिखाया, बहुत सारा इसका वीडियो बना के दिखाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो है ये ग्रेवेल के पास आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टूटा हुआ, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये बोन टाइट लट्ठा है, इसको हम जो इसको जोड़ने वाले हैं, और इसको जोड़ करके इस पर फिर हम ब्लैक रेप करके फिर इस फुल पूरी बाइक में फुल डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको ये दो भाग में होता है, दो ट्यूब में होता है दोस्तों, जब तक ये दोनों ट्यूब को आपस में नहीं मिलाया जाएगा तब तक ये जो है ये गम का काम नहीं करेगा, लट्ठा का काम नहीं करेगा। जब तक ये अलग अलग है तब तक ये सेफ है, अगर ये दोनों को आप मिला देते हैं तो ये 10 मिनट के अंदर में ये लट्ठा बन जाता है, और काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों, मतलब इसका पकड़ है, काफ़ी ज़बरदस्त लट्ठा बन जाता है। और फिर यहाँ पर आप जो है हथौड़ा से भी मार के इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर नहीं टूटेगा, ये दूसरे जगह टूटेगा, इसको कहते हैं बोन टाइट। तो दोस्तों, इसको हम लगा देते हैं। इसको लगाने के लिए आपको जो जॉइंट है, जो जगह है, उसके बीच में इसको जो है घुसा देना पड़ता है, डाल देना पड़ता है, और उसके बाद फिर ऊपर से इसको जो भी ऊपर का लेयर रहता है उसको आप काट के निकाल दीजिए, छील के निकाल दीजिए, एमडी पेपर से घस के निकाल दीजिए, और प्लेन उसको कर दीजिए। दोस्तों, इस बाइक में भी हमने वैसा ही किया है, और दोस्तों इस बाइक में जहाँ पर भी स्क्रैच था उसको हमने इस तरह से एमडी पेपर करके, पुट्टी करके, और गम लगा करके, लट्ठा ला कर, जोर जाड़ करके इस बाइक को दोस्तों आप देख पा रहे हैं पूरे में इसको हम मेड ब्लैक का रेप चढ़ा दिए हैं, और मेड ब्लैक का रेप चढ़ाने के बाद फिर इसके ऊपर से हम एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़बरदस्त सा डिज़ाइनिंग इस बाइक में करने वाले हैं, काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन इसमें बनाने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो जगह है यहाँ पर भी टूटा हुआ था, तो यहाँ पर भी जो है हमने जो है बोन टाइट का जो लट्ठा का इस्तेमाल करके इसको पूरे में यहाँ पर मेड ब्लैक चढ़ा दिया। हालांकि ये जो बाइक थी दोस्तों, ये बाइक ग्लोसी ब्लैक की थी, जो कि हमने मेड ब्लैक चढ़ाया है, और वाइजर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ग्लोसी ब्लैक कर दिया। इस तरह से दोस्तों ये बाइक पूरे में मेड ब्लैक हमने यहाँ पर लगा दिया है, और बस यहाँ पर आपका बचता है मड गार्ड, तो मड गार्ड में हम पूरे में मेड ब्लैक नहीं लगाएंगे, चूँकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीच में थोड़ा सा हम ग्लोसी देंगे और दोनों साइड जो है मेड ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत आएगा। दोस्तों, अगर कंपनी का जैसा कलर है ग्लोसी ब्लैक, अगर हम सिर्फ ग्लोसी ब्लैक में ही रहने देते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है उसको करके। दोस्तों, अगर हम मॉडिफाई करते हैं, इसको कुछ अलग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमको अलग करना पड़ेगा। अगर हम कलर ही इसको बदलते हैं तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अगर कंपनी का ग्लोसी ब्लैक है और ग्लोसी ब्लैक ही हम लगा देते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हम साइड में ग्लोसी ब्लैक, और दोनों साइड जो है ग्लोसी ब्लैक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और बीच में मेड ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी खूबसूरत लग रहा, देख पा रहे, लगाने के बाद बिल्कुल न्यू हो गया, चकाचक हो गया। दोस्तों, आपको बता दें ये जो ब्लैक है ये स्मोक ब्लैक के नाम से जाना जाता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में हम लाते हैं, जो भी ब्लैक बाइक होती है उसमें बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, और जो भी स्क्रैचेज होते हैं उसको ढकने के लिए भी ग्लोसी ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हमने कई वीडियो में जो है इसको दिखाया है ग्लोसी ब्लैक को, यहाँ पर जो लगा रहे हैं ये मेड ब्लैक है, लेकिन ग्लोसी ब्लैक का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा किया है, और ये काफ़ी शाइनिंग पेपर है और काफ़ी अच्छा है, इसका टिकाऊ भी लगभग 3 साल तक रहता है। आप अपने बाइक में ग्लोसी ब्लैक को प्रोटेक्शन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस बाइक का हमने कई वीडियो बना रखा है, और ये तीसरा वीडियो अभी फ़िलहाल हम इसका रिसेंटली डाल रहे हैं दोस्तों, और हमने हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कुछ बताने की कोशिश की है, कुछ समझाने का आप लोगों को कोशिश की है। इस वीडियो में हम बहुत कुछ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है, चैनल के माध्यम से जो लोग आते हैं दोस्तों, वो दूर दूर से आते हैं, और वो जो है अचानक आ जाते हैं, और उनका बहुत सारा थोड़ा सा ज़्यादा वर्क रहता है जो हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि नंबर तो आपको वीडियो में मिल ही जाता होगा, तो दोस्तों आप
फ़ोन करके आए, बिना फ़ोन करके आप आएंगे दूर से दोस्तों, तो आपको शायद वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं और पहले का नंबर लगा हुआ रहता है, पहले के जो हमने गच रखा होता है उसी का हम वर्क कर पाते हैं, जो अचानक आ जाते हैं तो उनका हम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से जो दूर से आते हैं उनको घूम जाना पड़ता है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप आए तो फ़ोन करके आए। दोस्तों देख पा रहे ये हमारा मेड ब्लैक का यहाँ पर काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका जो है मिरर है दोस्तों, ये मिरर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्क्रैच लगा हुआ है, लेकिन ये भी ग्लोसी ब्लैक है दोस्तों, तो इसमें भी हम जो है जो ग्लोसी ब्लैक वाइजर में लगाए, जो मिडगार्ड में लगाए उसी को यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये भी बिल्कुल न्यू हो जाता है दोस्तों। ये ग्लोसी ब्लैक काफ़ी काम का जो प्रोडक्ट है, काफ़ी काम का पेपर है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं जो भी ग्लोसी जगह है, और बहुत ही शाइनिंग ला देता है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये ऊपर से कोई पेपर लगाया हुआ है या फिर ये कंपनी का है, आपको लगेगा कि बिल्कुल कंपनी के जैसा है, कंपनी का ही प्रोडक्ट है और कंपनी का ही दिया हुआ है, कुछ लगाया हुआ नहीं। काफ़ी ज़बरदस्त पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर है, इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों देख पा रहे ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, एकदम बिल्कुल न्यू हो गया, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई स्क्रैचेज है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपके मिरर ख़राब हो गए हैं, मिरर का जो वहाँ पे स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाता है गिरने से बाइक, तो ये सब में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही यूनिक हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अब जो साइलेंसर बचता है वो साइलेंसर में भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि साइलेंसर में भी कलर निकला हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हम मेड ब्लैक दे करके इसमें एक डिज़ाइनिंग कर देंगे, और साथ ही साथ ये बाइक जो है पूरी तरह से हम न्यू करने के बाद इसमें एक डिज़ाइनिंग करेंगे, और भी कुछ इसमें करने वाले हैं जो आपको दिखाएंगे, लेकिन डिज़ाइनिंग इसका काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे बात कर रहे थे कि दूर से आने वाले लोग घूर जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूर से हैं 200-300 किलोमीटर दूर से भी लोग आ जाते हैं, तो इतना दूर से अगर आप आए तो हमें इत्तला करके जरूर आए। देख पा रहे दोस्तों इसका जो चेचिस है इसमें भी कलर निकल गया है, तो इसमें जो है हम ये स्प्रे पेंट लगा देंगे, हालांकि ये स्प्रे पेंट का लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल टेम्प्रोरी हम इसको लगा दे रहे हैं, क्योंकि समय का किल्लत है, समय कम है, इसीलिए हमने पहले ही बताया कि ये कलर नहीं रहने वाला है, ये कलर निकल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लगा दे रहे हैं, जबकि बाइक जो है पूरी न्यू हो रही है और ये चेचिस वगैरह जो पुराना लग रहा है इसकी वजह से हम यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन इंजन में जो हमने सिल्वर कलर लगाया है वो बिल्कुल न्यू है। देख पा रहे हैं इसके साथ ही ये हमारा बाइक कंप्लीट हो गया है, और पूरे में हमने मेड ब्लैक का इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक का इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ साइलेंसर में भी हमने लगा दिया है, और अब बचता है इसका डिज़ाइनिंग का दोस्तों, तो इसका डिज़ाइनिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी यूनिक हम करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम इसका डिज़ाइनिंग दिखाएंगे कि इसको डिज़ाइनिंग हमने कैसे किया है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने कंप्यूटर में एक झलक आपको दिखा दे रहे कौन कौन सा डिज़ाइनिंग इसमें होने वाला है, इसी टाइप से इसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे। देख पा रहे ये कट हो रहा है, लेकिन ये रेड में नहीं होगा दोस्तों, रेड में हम आपको दिखा दिए, रेड में कट हो रहा, गलती से हो रहा था, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है इंजन वगैरह सारा कुछ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और दोस्तों आने वाला वीडियो में इसका पूरा मॉडिफाई दिखाएंगे, पूरा काम तो यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, ये बाइक में पूरी मॉडिफिकेशन सॉरी पूरा रैपिंग हमने आपको दिखा दिया, लेकिन आने वाला जो वीडियो होगा दोस्तों उस वीडियो में हम इस पर जो है पूरा जो कैसे इसको डिजाइनिंग करते हैं सारा कुछ डिटेल आपको दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।